कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो प्लीज वीडियो पे जो भी न्यू आए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मैंने अपना व्लॉग संडे से स्टार्ट किया है, मतलब पूरे एक हफ्ते बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। मैंने लास्ट अष्टमी को बनाया था, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे को कोल्ड हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे गले में पेन था। अभी भी है लेकिन इतना नहीं है। और हमारे यहाँ पे 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब आज भी बारिश पड़ रही है। चांस नहीं है कि हाँ मौसम साफ होगा, तो वैसे लगातार मतलब पड़ रही है। और जी सुबह का खाना पीना मेरा हो गया है, अब दोपहर का टाइम हो रहा है, तो दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी आज दाल मखनी और राइस और रोटी। तो उससे पहले मैं करूंगी अपने फ्रिज की सफाई, क्योंकि कल फ्रिज में मतलब काफ़ी टाइम से बर्फ जमी हुई थी, तो इन्होंने बर्फ जो छुटाई उसका जो पाइप होता है गैस वाला वो खराब हो गया, उसकी वजह से फ्रिज जो है हमारा खराब हो गया है। जो भी सामान है इसका निकाल के मैं फ्रिज को अच्छे से साफ करूंगी। और फ्रिज वाले को बुलाया है, मतलब जो फ्रिज देखते हैं उनको बुलाया है, तो वे आएंगे दोपहर में। तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले जितना भी इसमें सामान रखा है, सॉस मेयोनीज काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब निकाल के इसको एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ, ताकि जब बाकी वो ठीक करे मैं जो भी सामान इसका निकालूंगी वो बाद में फ्रिज में रख दूँ। तो जब मैं दाल मखनी बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं अपना जल्दी से अपना फ्रिज साफ कर लेती हूँ, फिलहाल दिखाती हूँ आपको मतलब कितना भरा हुआ है। वैसे सब्जी वगैरह नहीं है, मतलब कोई जो अपनी सॉस वगैरह होती है उन सबसे साइडों में भरा हुआ है फ्रिज। ये देखो फ्रिज मतलब भरा हुआ है जैम वगैरह और वो चॉकलेट सिरप, विनेगर, चिली सॉस सब कुछ है। और इधर का स्ट्रॉबेरी में टमाटर है जो कि मैंने कर लिए थे, लौकी भी कर लिया था, बाकी तो सब खाली है। ये भर गया था बर्फ से इस बार, तो ये सब निकाल के मैं इसको पोंछ देती हूँ क्योंकि गंदा भी हो रहा है। ये मेरा यहाँ सारा ही गंदा हो रहा है, तो मैं इसको एक गील सूखे कपड़े से अच्छे से साफ कर देती हूँ। और मैंने ना ये दाल मॉर्निंग में 6 बजे भिगो दी थी, तो अच्छे से फूल गई है गर्म करके जब भिगोया था ये देखो। तो अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके 2-3 बार पानी में इसको बॉईल कर लेती हूँ, 6-7 सीटी लगा लेती हूँ। इसमें है काली उड़द साबुत वाली, और जी मलकम मसूर साबुत, और ये राजमा, 3 चीज। दाल मखनी में तो यही सब होते हैं बस। और ये देखो दाल जो है बन चुकी है। मैंने उबालने के बाद टमाटर वगैरह पीस लिए थे, लहसुन प्याज पीस के और खड़े मसाले में तड़का लगाया, और इधर चावल, रोटी नहीं बनाई बस दाल और चावल। और अब मैं सीधा आपको शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि दोपहर को खाना वाना बनाने के बाद खा पी के हम लेट गए थे। जिस वक्त मैं दोपहर में खाना बना रही थी तभी मतलब फ्रिज वाले भैया आ गए थे, तो फ्रिज देखने लग गए थे, उस चक्कर से मैं दाल की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई दाल मखनी की। कोई बात नहीं, फिर कभी बनाऊंगी तब शेयर करूंगी। तो फ्रिज हमारा हो चुका है खराब, फ्रिज वाले भैया ने देखते ही कह दिया कि आपका फ्रिज खराब हो गया है, अब इसमें 5-6 हज़ार रुपये का मतलब खर्चा आएगा, तो आप इससे अच्छा है कि नया ही ले लो, इसमें क्यों वेस्ट कर रहे हो पैसे। तो देखते हैं, दूसरी जगह बात की है वो 3 हज़ार का खर्चा बता रहे हैं, तो अभी उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि बारिश हो रही है तो आप 2-3 दिन का वेट कीजिए, जैसे ही बारिश बंद होती है हम आते हैं देखते हैं फ्रिज को, तो आप 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, देखते हैं ये ठीक होता है या नहीं, नहीं तो फिर नया फ्रिज हम लेंगे। और सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, 2 दिन हो गए मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए हुए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज व्लॉग भी बना लेते हैं। कई दिन से मतलब एक हफ्ते से मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही थी, लास्ट व्लॉग मेरा अष्टमी को था यानी कि मंडे को, और आज है संडे तो मैं आज बना रही हूँ। मतलब 10 डे से अप्लाई कर रखा था, मतलब 10 डे में मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो गया है, तो मतलब बहुत खुशी मिली। चलो अब वेट करते हैं डॉलर कंप्लीट करने की, तो देखते हैं वो कितने दिन में कंप्लीट होते हैं। तो शाम के खाने में मैं सिर्फ रोटियां बनाऊंगी क्योंकि दाल मेरी दोपहर की रखी है, तो अब शाम का फटाफट खाना बना लेती हूँ। और मम्मी के लिए साड़ी लाए हैं जो करवा चौथ पे पूजने हैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको कैसी है। तो खाना पीना मेरा हो गया है, टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, और मैं साड़ी दिखाने के लिए कहती मैं दिखा नहीं पाती क्योंकि
बच्चे शोर मचा रहे थे इसके मैंने नहीं दिखाया था, तो मैं अब दिखाती हूँ। अभी फिलहाल एक ही साड़ी लेके आई है मम्मी, एक नई लाई होई के लिए, वो बाद में लाएंगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको साड़ी, और अपने इस ब्लॉग का भी यहीं पे ही एंड करूँगी, क्योंकि वही है, बारिश तो पड़ी रही है, नहीं जा पाए मार्केट, क्या करे। तो चलो साड़ी दिखाती हूँ। तो ये वाली साड़ी मम्मी लाई है। मम्मी सिंपल ही साड़ी बांधती है, मतलब हल्की ही, और इस पे साड़ी पे रख के दिया है एक बिंदी का पत्ता, और इधर एक ये सिंदूर की डब्बी है। तो पापा का पैंट शर्ट का कपड़ा मैं अभी रखूंगी इस पे, और इधर देखो गट्टू की अपनी मस्ती चल रही है। गट्टू क्या कर रहा? गट्टू इधर देख, गट्टू बोल पापा, गट्टू आजा। और अभी इसके पापा ना बाहर गए हैं, इसलिए ये शोर मचा रहा है, और बड़े प्यार से करता रहता है पापा पापा, बुलाता रहता है, बैठा रहेगा और आवाज लगाता रहेगा पापा। कहाँ गए गट्टू के पापा? दूर गए, बुला रहा है हल्ला मचा के उनको। तो चलो मैं अपने इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।